वरान ने अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में कालवश मृत्यु को प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर स्त्री मलेच्छ अन्य संकीर्ण पाप योनि वाले सभी मानव प्राणी कीड़े चींटी तथा जो भी अन्य मृग पक्षी आदि हैं ये सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले त्रिनेत्र तथा महावृषभ नंदी को वाहन बनाने वाले शिव स्वरूप मानव बनकर मेरे कल्याणमय पुर में उत्पन्न होते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी नरक में नहीं जाता है। ईश्वर शंकर से कृपा प्राप्त वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भीषण समझकर पत्थर द्वारा पैरों को तोड़कर मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। परमेश्वरी तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी के लिए भी जहाँ कहीं मरने पर संसार से मुक्त करने वाली गति दुर्लभ होती है, शैलपुत्री मेरे अनुग्रह से वह गति यहाँ प्राप्त हो जाती है। मेरी माया से विमोहित अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं। अज्ञान से आवृत्त मूढ़ लोग अविमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते। वे मल मूत्र और रजोवीर से युक्त नरक के बीच बारंबार निवास करते हैं। सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी जो विद्वान वाराणसी में निवास करते हैं वे उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। वे जन्म मृत्यु और जरा रहित होकर शिव के श्रेष्ठ निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। पुनः मरण को न प्राप्त करने वाले मोक्षार्थियों की वह सद्गति होती है जिसे प्राप्त कर पंडित लोग स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह न दानों से न विविध तपों से न यज्ञों से और न विद्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। विद्वानों का यह मानना है कि अनेक ब्राह्मणादि वर्ण वाले मनुष्यों वर्ण रहित चांडालादिकों घृणित व्यक्तियों तथा जो पापों तथा विशिष्ट पापों महापापों से युक्त देह वाले हैं उनके लिए अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का सेवन ही परम औषधि है। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है। अविमुक्त क्षेत्र परम पद है। अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम कल्याण है। नैष्ठिकी दीक्षा ग्रहण कर जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान और अंत में परम पद प्रदान करता हूँ। प्रयाग पुण्यदायी नैमिषारण्य महालय श्रीशैल केदार भद्रकर्ण गया पुष्कर कुरुक्षेत्र रुद्रकोट नर्मदा आम्रातकेश्वर शालिग्राम कुब्जाम्र श्रेष्ठ कोकामुख प्रभास विजयेशान गोकर्ण तथा भद्रकर्ण ये सभी पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात हैं। किंतु जिस प्रकार वाराणसी में मरे हुए व्यक्तियों को परम मोक्ष प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। वाराणसी में प्रविष्ट त्रिपथगामिनी स्वर्ग पाताल एवं भूलोक इस प्रकार तीन पथों में प्रवाहित होने वाली गंगा सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गंगा श्राद्ध दान तप जप तथा व्रत वाराणसी में सभी सुलभ हैं परंतु अन्यत्र दुर्लभ हैं। वाराणसी में स्थित मनुष्य ऐसा ज्ञान अत्यल्प परिश्रम से प्राप्त कर लेता है जिसके सहारे वायुभक्षी होकर नित्य हवन करता है, यज्ञ करता है, दान करता है तथा देवताओं की पूजा करता है। मनुष्य पापी हो, शठ हो अथवा अधार्मिक हो तब भी वाराणसी में पहुंचकर अपने संसर्ग में रहने वाले सबको पवित्र कर देता है। वाराणसी में जो महादेव की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त शंकर के गणेश्वर समझना चाहिए। दूसरे स्थान में योग ज्ञान संन्यास अथवा अन्य उपायों से हजारों जन्मों में वह परम पद मोक्ष प्राप्त होता है। किंतु देव देवेश शंकर के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ एक ही जन्म में योग ज्ञान अथवा मुक्ति मिल जाती है उस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुंचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए। चूँकि मैं वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता इसलिए वह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। यही गुहों में अत्यंत गुह ज्ञान है इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे सुभ्रु सुंदर भौहों वाली ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का साधन रूप ज्ञान में निरत तथा परमानंद की इच्छा करने वालों की जो गति बतलाई गई है वह विमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त होती है। विमुक्त रूप देह विराट में जिन क्षेत्रों का वर्णन हुआ है उन सभी क्षेत्रों में वाराणसी पुरी अधिक शुभ है। यह विमुक्त क्षेत्र ऐसा है जहाँ साक्षात महादेव ईश्वर देहांत होने के समय तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। देवी जो वह परतर तत्व अविमुक्त नाम से कहा जाता है वह वाराणसी में एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। विराट के भौहों के मध्य, नाभि के मध्य, हृदय में, मूर्धा में तथा आदित्य में जिस प्रकार अविमुक्त स्थित है उसी प्रकार वाराणसी में अविमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित है। वरुणा और असी के मध्य वाराणसी पुरी है, वहाँ अविमुक्त नामक नित्य तत्व स्थित है। जहाँ नारायण देव और महादेव दिवेश्वर सुरलोक के अधिपति स्थित हैं उस वाराणसी से श्रेष्ठ स्थान न कोई हुआ है और न कोई होगा। वहाँ गंधर्वों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों सहित सभी देवता मुझ देवाधिदेव पितामह की सतत उपासना करते हैं। जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करने वाले अतिपातकी हैं वे वाराणसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्षार्थ को मरण पर्यंत वाराणसी में निश्चित रूप से निवास करना चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पाप से आक्रांत चित्त वालों को विघ्न होते हैं। इसलिए शरीर, मन और वाणी से पाप नहीं करना चाहिए। सुव्रतों, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले यह वेदों और पुराणों का रहस्य है। और विमुक्त से संबद्ध ज्ञान को कोई तत्त्वतः जानता नहीं है। महादेव ने देवताओं, ऋषियों तथा परमेष्ठियों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों को विनष्ट करने वाले इस ज्ञान को कहा था। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में गिरीश महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी स्थानों में यह अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में रुद्र की उपासना की है वे ही परम अविमुक्त क्षेत्र नामक शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। कलि के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि उपहत हो गई है वह परमेष्ठी के उस स्थान को जान नहीं सकते। जो सर्वदा काल रूप शिव का और इस पूरी वाराणसी का स्मरण करते रहते हैं उनका इस लोक और अन्य लोक का पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ निवास करने वाले जो पाप करते हैं कालस्वरूप देव शिव उन सबको नष्ट कर देते हैं। मोक्ष की इच्छा से इस स्थान का सेवन करने के लिए जो यहाँ आते हैं उन्हें मृत्यु के अनंतर पुनः भवसागर में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए चाहे योगी हों, अयोगी हों तथा पापी हों या श्रेष्ठ पुण्यकर्मा हों, जैसा भी हों उसे सभी प्रयत्नों से वाराणसी में ही निवास करना चाहिए। वेद के वचन से, माता पिता के कहने से अथवा गुरु के वचन से भी अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में आने के विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वेद विदों में श्रेष्ठ भगवान व्यास प्रधान शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करने लगे। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे एकोनत्रिशोऽध्यायः। 30वां अध्याय वाराणसी के ओंकारेश्वर और कृत्तिवासेश्वर लिंगों का महात्म्य, शंकर के कृत्तिवासा नाम पढ़ने का वृतांत। सूत जी बोले, शिष्यों से घिरे हुए बुद्धिमान वे गुरु द्वैपायन मुनि मुक्ति प्रदान करने वाले विशाल ओंकार लिंग की सन्निधि में गए। शिष्यों के साथ महामुनि ने वहां महादेव की भली भांति पूजा करके पवित्र आत्मा वाले मुनियों को उस ओंकार लिंग का महात्म्य बताया। ओंकार नाम वाला यह लिंग
पवित्र एवं सुंदर है। इसके स्मरण मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में विद्वानों के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले इस अति श्रेष्ठ ज्ञान रूप उत्तम पंचायतन की नित्य पूजा की जाती है। यहाँ प्राणियों को मोक्ष देने वाले साक्षात महादेव भगवान रुद्र पंचायतन शरीर धारण कर रमण करते रहते हैं। जो वह पाशुपत ज्ञान पंचार्थ शब्द से कहा जाता है, वही ज्ञान इस पवित्र लिंग के रूप में ओंकार में अवस्थित है। अतीता शांति शांति उत्कृष्ट कला वाली विद्या प्रतिष्ठा और निवृत्ति, इन पांच अर्थों के लिए इनके प्रतिनिधि रूप में महादेव का ओंकार लिंग प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा आदि पांच देवों का भी नित्य आश्रय रूप यही ओंकार बोधक लिंग पंचायतन कहलाता है। अविनाशी पंचायतन रूप ईश्वरीय लिंग का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य देहांत होने पर आनंद स्वरूप परम ज्योति में प्रवेश करता है। पूर्व काल में देवर्षियों महर्षियों तथा सिद्धों ने यहीं पर भगवान ईशान की उपासना कर परम पद प्राप्त किया था। विप्रेंद्रों मत्स्योदरी के किनारे गोचर्म के बराबर गुहतम शुभ पूर्ण स्थान है, वहीं ओंकारेश्वर का उत्तम क्षेत्र है। द्वियोत्तमों कृत्तिवासेश्वर श्रेष्ठ मध्यमेश्वर विश्वेश्वर ओंकारेश्वर तथा कपर्दीश्वर, ये वाराणसी के गुह्य लिंग हैं। बिना शंकर के कृपा के कोई इन्हें यहाँ जान नहीं सकता। ऐसा कहकर पराशर के पुत्र महामुनि कृष्ण द्वैपायन शूलधारी महादेव के कृत्तिवासेश्वर नामक लिंग का दर्शन करने गए। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास ने शिष्यों के साथ लिंग का पूजन कर शिष्यों को कृत्तिवासेश्वर का महात्म्य बतलाया। प्राचीन काल में एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर यहाँ शंकर के समीप नित्य उपासना करने वाले ब्राह्मणों को मारने के लिए आया। द्विज श्रेष्ठों, उन भक्त की रक्षा के लिए इस लिंग से भक्तवत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट हुए। हाथी की आकृति वाले उस दैत्य को अवज्ञापूर्वक शूल से मारकर शंकर ने उसके चर्म का वस्त्र धारण किया। उसी समय से वे कृत्तिवासेश्वर हो गए। श्रेष्ठ मुनियों, यहाँ मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की और उसी शरीर से परम पद अर्थात मोक्ष भी प्राप्त किया। विद्या विद्येश्वर रुद्र एवं शिव नाम से कहे जाने वाले कृत्तिवासेश्वर लिंग को भी देवता नित्य आवृत्त कर स्थित रहते हैं। घोर कलयुग और अधार्मिक लोगों की बहुलता को समझकर जो लोग कृत्तिवासेश्वर का परित्याग नहीं करते, वे निःसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। हजारों जन्मांतरों में भी दूसरे स्थान पर मोक्ष प्राप्त हो अथवा नहीं, किंतु कृत्तिवास क्षेत्र में एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि सभी सिद्धों का आश्रय रूप यह स्थान देवाधिदेव महादेव शंभु के द्वारा सुरक्षित है। प्रत्येक युग में वेद में पारंगत इंद्रिय निग्रही ब्राह्मण यहाँ महादेव की उपासना करते हैं और शतरुद्रीय का जप करते हैं। हृदय में सर्वांतरात्मा स्थाणुदेव शिव का ध्यान करते हुए कृत्तिवासा त्रयंबक देव त्रिलोचन महादेव की निरंतर स्तुति करते हैं। विप्रों सिद्धजन यह गीत गाते हैं कि जो लोग वाराणसी में निवास करते हैं और कृत्तिवासा भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। इस लोक में संसार को अभिष्ट अत्यंत दुर्लभ विप्रकुल में जन्म प्राप्त कर संयमी लोग ध्यान में समाधिस्थ होकर रुद्र का जप करते हैं और चित्त में महेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। वाराणसी में निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शंकर की आराधना करते हैं, फल की आकांक्षा किए बिना यज्ञों द्वारा उनका यजन करते हैं, रुद्र रूप में उनकी स्तुति करते हैं और शंभु रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं। विशुद्ध योग के आश्रय रूप भव को नमस्कार है। मैं स्थाण पुराण गिरीश की शरण ग्रहण करता हूँ। हृदय में अवस्थित रुद्र का स्मरण करता हूँ और महादेव को अनेक रूपों में स्थित मानता हूँ। इति श्री कुर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे त्रिंशोध्यायः 31वां अध्याय वाराणसी के कपर्दीश्वर लिंग का महात्म्य।
पिशाच मोचन कुंड में स्नान करने की महिमा। वहां स्नान करने से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करने का आख्यान। शंकुकर्ण की कथा तथा शंकुकर्ण कृत ब्रह्मपार स्तव। सूत जी बोले, मुनियों से इस प्रकार कहकर बुद्धिमान व्यास जी देवाधिदेव त्रिशूली भगवान शंकर के कपर्दीश्वर नामक अव्यय लिंग का दर्शन करने गए। ब्राह्मणों, वहां पिशाच मोचन तीर्थ में स्नान कर विधि पूर्वक पितरों का तर्पण कर उन्होंने त्रिशूल धारण करने वाले शंकर की पूजा की। वहां गुरुदेव व्यास के साथ उन मुनियों ने एक आश्चर्य देखा। उन्होंने इसे क्षेत्र का महात्म समझा और गिरीश हर को प्रणाम किया। कोई भयंकर रूप वाला व्याघ्र एक मृगी का भक्षण करने के लिए वहां श्रेष्ठ कपर्दीश्वर के समीप में आया। भयभीत मन वाली वह मृगी वहां प्रदक्षिणा करते करते दौड़ी हुई अत्यंत व्याकुल हो जाने से व्याघ्र के वशीभूत हो गई। अपने तीक्ष्ण नखों से उसे विदीर्ण कर वह महान बलशाली व्याघ्र उन मुनियों को देखकर दूसरे जनशून्य स्थान की ओर चला गया। कपर्दीश्वर के समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त वह बालावस्था वाली मृगी आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान प्रभावशाली महाज्वाला स्वरूपा तीन नेत्रों वाली नीलकंठ वाली चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाली और वृषभ पर आरूण तथा शिव के समान ही पुरुषों से समन्वित दिखलाई पड़ी। उसके मस्तक पर आकाशचारी गंधर्व आदि फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदंतर वह स्वयं गणेश्वर होकर तक्षण ही अदृश्य हो गई। जैमिनी आदि प्रमुख द्विजों ने ऐसा महान आश्चर्य देखकर अच्युत स्वरूप गुरु व्यास से कपर्दीश्वर का महात्म्य पूछा। उन भगवान व्यास ने कपर्दीश्वर देव के समीप में बैठकर वृषध्वज को प्रणाम करके कपर्दीश का महात्म्य उन्हें बतलाया। यह देव का वही श्रेष्ठ कपर्दीश्वर नामक लिंग है जिसका स्मरण मात्र करने से ही स्मरण करने वाले का अवशेष पाप समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम क्रोध आदि दोष और सभी विघ्न कपर्दीश्वर का पूजन करने से विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कपर्दीश्वर का सदा ही दर्शन करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। शांत चित्त वाले योगियों को यहाँ नियमित ध्यान करते हुए 6 महीने में ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ समीप में स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान कर इस लिंग का पूजन करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में शंकुकर्ण नाम से प्रसिद्ध कठोर व्रत वाले तपस्वी ने इस क्षेत्र में शंकर जी की पूजा की थी। वह रात दिन प्रणव एवं ब्रह्मस्वरूप रुद्र का जप करता था। निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण कर वह योगात्मा पुष्प धूप आदि से तथा स्तोत्र नमस्कार एवं प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा करता हुआ वहाँ रहने लगा। किसी दिन उसने भूख से व्याकुल अस्थि एवं चर्म से व्याप्त शरीर वाले और बार बार सांस ले रहे एक आते हुए प्रेत को देखा। उसे देखकर उस श्रेष्ठ मुनि ने अत्यंत कृपा से युक्त होकर उससे कहा, आप कौन हैं, कहाँ से इस देश में आए हैं? क्षुधा से पीड़ित पिशाच ने उससे कहा, पूर्व जन्म में मैं धन धान्य से संपन्न पुत्र पौत्रादिकों से युक्त परिवार के भरण पोषण में उत्सुक रहने वाला एक ब्राह्मण था, किंतु मैंने न तो कभी देवताओं की पूजा की, न गायों की और न अतिथियों की। मैंने कभी छोटे से भी छोटा पुण्य नहीं किया। एक बार की बात है कि वाराणसी में मैंने वृषभ वाहन भगवान विश्वेश्वर देव का दर्शन किया, स्पर्श किया और उन्हें नमस्कार किया। तदंतर बहुत थोड़े ही समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। हे मुने, इसी पुण्य के कारण मुझे यम के भयानक मुख को तो नहीं देखना पड़ा, पर इस प्रकार की पिशाच योनि प्राप्त कर भूख और प्यास से व्याकुल मैं वाराणसी में ही भटक रहा हूँ। इस समय मुझे हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रभो, मेरे उद्धार का यदि कोई उपाय आप देखते हो तो उसे करें।
आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा कहे जाने पर शंकुकर्ण ने पिशाच से कहा, तुम्हारे समान इस संसार में श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाला और कोई नहीं है, जो कि तुमने पूर्व काल में विश्वेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया और वंदना की। फिर संसार में तुम्हारे समान और कौन हो सकता है, उस कर्म के परिणाम स्वरूप ही तुम इस स्थान पर पहुँचे हो। तुम एकाग्रमन होकर इस कुंड में शीघ्र ही स्नान करो, जिससे इस कुत्सित पिशाच की योनि से तुम शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर सको। दयाल मुनि के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने देवश्रेष्ठ त्रिलोचन अनुशास्था भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण कर मन को एकाग्र करते हुए कुंड में स्नान किया। तदंतर स्नान किया हुआ वह मुनि के समीप ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और पुनः सूर्य के समान प्रकाशित विमान में स्थित वह दिव्य आभूषणों को धारण किए तथा चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित सुंदर मस्तक से युक्त पुरुष के रूप में दिखाई पड़ा। वह आकाश में स्थित रहने वाले रुद्रों, अप्रमेय योगियों तथा बालखिल्य आदि ऋषियों से चारों ओर से आवृत्त होते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार सभी देवताओं के भी देवता सूर्य देवता उदय काल में दिखलाई पड़ते हैं। आकाश में सिद्ध तथा देवताओं के समूह उसकी स्तुति कर रहे थे। दिव्य सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व विद्याधर तथा किन्नर आदि जल से स्निग्ध पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। मुनियों के समूह से स्तुति किए जाते हुए उसने भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयीमय श्रेष्ठ मंडल में प्रविष्ट हो गया, जहाँ रुद्र प्रकाशित होते हैं। पिशाच योनि को प्राप्त उस पुरुष को मुक्त हुआ देखकर वह मुनि अत्यंत प्रसन्न मन से महेश का ध्यान कर और कवि अद्वितीय रुद्राग्नि को प्रणाम कर उन जटाधारी शिव की स्तुति करने लगे। शंकुकर्ण ने कहा, मैं परात्पर अद्वितीय सबके रक्षक पुराण पुरुष योगेश्वर नियामक आदित्य अग्निरूप एवं कपिल वृषभ पर अधिष्ठित आप कपर्दी की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं हृदय में सन्निविष्ट हिरण्यमय योगी आदि एवं अंतरूप द्युलोक में स्थित महामुनि पवित्र और ब्रह्मस्वरूप आप ब्रह्मपार रुद्र की शरण में जाता हूँ। मैं हजारों चरण नेत्र और सिरों से युक्त हजारों बाह वाले अंधकार से परे रहने वाले हिरण्य गर्भ के अधिपति और तीन नेत्र वाले आप ज्ञानातीत शंभु को प्रणाम करता हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति तथा विनाश होता है और जिन शिव ने इस संपूर्ण विश्व को आवृत कर रखा है। उन्हीं ज्ञानातीत भगवान ईश को प्रणाम कर मैं उनकी नित्य शरण ग्रहण करता हूँ। मैं अलिंग निराकार और आलोक रहित रूप वाले स्वयं प्रभावान चित्त शक्ति के स्वामी अद्वितीय रुद्र रूप ज्ञान से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सबीज योग सविकल्प समाधि का त्याग करने वाले परमार्थ भूत योगी जन निर्विकल्पक समाधि लगाकर आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, मैं आपके उसी ज्ञानातीत स्वरूप को नित्य प्रणाम करता हूँ, जिसमें न तो किसी नाम तथा रूप आदि विशेष गुणों की कोई कल्पना है और जिनका न कोई स्वरूप दिखलाई पड़ता है। प्रणाम पूर्वक उन ब्रह्मपार स्वयंभू की शरण में मैं जाता हूँ। वैदिक सिद्धांतों के अनुगामी आपके जिस स्वरूप को विदेह ब्रह्म विज्ञानमय अभेद रूप अद्वितीय इन अनेक प्रकारों से जानते हैं, आपके उस ब्रह्मपार स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिसके प्रधान प्रकृति और पुराण पुरुष विवर्त परिणाम हैं तथा देवता जिसे प्रणाम करते हैं, उस ज्योति में सन्निविष्ट ज्योतिर्मय आपके बृहत काल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेश की शरण में जाता हूँ। मैं स्थाणु गिरीश पुरारी के शरणागत हूँ। मैं चंद्रमौल हर शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिनाक धारण करने वाले आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार भगवान
कपर्दी का स्तुति कर श्रेष्ठ ओंकार का उच्चारण करता हुआ वह शंकुकर्ण दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण ज्ञान और आनंद स्वरूप अद्वितीय करोड़ों प्रलयकालीन अग्नि के समान शिवात्मक श्रेष्ठ लिंग प्रादुर्भूत हुआ। उस मुक्त आत्मा वाला तदात्म्य स्वरूप वाला सर्वव्यापी विशुद्ध हुआ वह शंकुकर्ण निर्मल लिंग में विलीन हो गया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। यह मैंने आप लोगों को कपर्दी का रहस्य एवं महात्म्य बतलाया। इसे कोई नहीं जानता। विद्वान भी इस विषय में अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। जो भक्त पाप का नाश करने वाली इस कथा को नित्य सुनता है वह पाप से विमुक्त शुद्धात्मा होकर रुद्र की समीपता को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य नित्य प्रातः एवं मध्यान्ह काल में शुद्धता पूर्वक इस ब्रह्मपार नामक महान स्तवन का पाठ करेगा वह परम योग को प्राप्त कर लेगा। मैं यहीं नित्य निवास करूँगा, देवदेव कपर्दी का दर्शन करूँगा और त्रिशूल धारण करने वाले देव की निरंतर पूजा करता रहूँगा। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ युक्तात्मा महामुनि व्यास ने कपर्दी की पूजा करते हुए वहीं निवास किया। इत श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे एक त्रिंशोध्याय 32वां अध्याय व्यास जी द्वारा वाराणसी के मध्यमेश्वर महादेव तथा मंदाकिनी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, वहाँ कपर्दीश्वर के समीप में बहुत वर्षों तक निवास कर भगवान प्रभु वेदव्यास पुनः मध्यमेश्वर लिंग का दर्शन करने गए। वहाँ ऋषि समूहों से सेवित स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का दर्शन कर मुनि व्यास प्रसन्न हो गए। उसे देखकर पवित्र आत्मभाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले उन द्वैपायन प्रभु ने मुनियों के साथ स्नान किया, विधिपूर्वक देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा लोक के आदि कारण भव की पूजा की। प्रमुख शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर त्रिशूलधारी ईशान मध्यमेश्वर का पूजन किया। तदंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पाशुपत लोग अर्थात पशुपति के भक्तगण पाशुपत ईश्वर मध्यमेश्वर रुद्र का दर्शन करने आए। उनका मन ओंकार के जप में लगा था। वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए थे, कोई जटा रखाए थे और कोई मुंडित थे, कोई कौपीन वस्त्र धारण किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे। वे ब्रह्मचर्य परायण शांत और वेदांत के ज्ञान में तत्पर थे। विप्रों शिष्यों से घिरे हुए द्वैपायन मुनि को देखकर यथोक्त विधि से उनका पूजन कर उन्होंने पाशुपत भक्तों ने यह वचन कहा, महामुने आप कौन हैं, शिष्यों के साथ कहाँ से आए हैं? तब पैल आदि व्यास शिष्यों ने उन ब्रह्म भाव को प्राप्त ऋषियों से कहा, ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हैं। ये स्वयं ऋषिकेश हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अंशांश से इनके शुक नामक पुत्र हुए। वे सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के शरणागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है। तब वे सभी पशुपति के भक्त प्रसन्न हो गए। उन्हें रोमांच हो आया। एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा, भगवन देव देव की कृपा से जो परमेष्ठी का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वह आपको ज्ञात है, अतः आप हमें वह श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाएं ताकि आपके मुख से उसे सुनकर हम शीघ्र ही उन देव का दर्शन कर सकें। तदंतर सुमंतु आदि उन प्रमुख शिष्यों को विदा कर योग विदों में श्रेष्ठ व्यास ने उन योगियों को श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया। विप्रों उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योति प्रकट हुई और क्षण भर में ही वे पाशुपत भक्तगण उसी में लीन हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पैल आदि प्रमुख शिष्यों को बुलाकर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान व्यास ने मध्यमेश का महात्म्य उन्हें बतलाया। स्वयं भगवान महेश्वर देव
देवी के साथ तथा रुद्र गणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमण करते हैं। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्वात्मा हृषिकेश श्री कृष्ण हरि पाशुपतों से आवृत्त रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण कर रुद्र तत्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत धारण कर शंभु की आराधना करते हुए एक वर्ष तक निवास किए थे। उनके व्यास के ब्रह्मचर्य परायण बहुत से विज्ञ शिष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त कर महेश्वर का दर्शन किया। वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने उन कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया। जगन में जो मेरे भक्त विधि पूर्वक आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त होगा। निःसंदेह मेरी कृपा से आप मेरे भक्त द्विजातियों के प्रणम्य आराध्य और ध्येय होंगे। जो यहाँ स्नान कर पिनाकी रुद्र देव देवेश्वर का दर्शन करेंगे उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। जो पाप कर्म परायण भी मनुष्य यहाँ प्राणों का त्याग करेंगे वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विप्रों वे निश्चय ही धन्य हैं जो मंदाकिनी में स्नान कर ईश्वर महादेव मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों यहाँ पर एक बार भी किया गया स्नान दान तप श्राद्ध तथा पिंडदान 7 पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है। सूर्य के राह से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में सन्निहति कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल यहाँ मंदाकिनी में स्नान करने से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश्वर के समीप में ही बहुत समय तक निवास किया। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे 32वां अध्यायः 33वां अध्याय वाराणसी महात्म के प्रसंग में व्यास जी का शिष्यों के साथ विभिन्न तीर्थों में गमन, ब्रह्म तीर्थ का आख्यान, व्यास जी द्वारा विश्वेश्वर लिंग का पूजन तथा वहां रहते हुए शिवाराधना, एक दिन भिक्षा न मिलने पर क्रोधाविष्ट व्यास जी का वाराणसी के निवासियों को शाप देने के लिए उद्यत होना, उसी समय देवी पार्वती का प्रकट होना, देवी का व्यास को वाराणसी त्यागने की आज्ञा, पुनः स्तुति से प्रसन्न देवी के द्वारा चतुर्दशी तथा अष्टमी को वहाँ वाराणसी में रहने की अनुमति देना। सूत जी बोले, तदंतर जैमिनी आदि प्रमुख शिष्यों से आवृत भगवान व्यास सभी गुह तीर्थों और देव मंदिरों में गए। द्विजश्रेष्ठों वे परम तीर्थ प्रयाग, प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ विश्वरूप, श्रेष्ठ ताल तीर्थ, आकाश नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ आर्षभ तीर्थ, स्वर्णील नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ गौरी तीर्थ, प्रजापात्य तीर्थ, स्वर्गद्वार, जम्बुकेश्वर, धर्म धर्मारण्य नाम वाले उत्तम तीर्थ, गया तीर्थ, महातीर्थ, महानदी तीर्थ, परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ वायु तीर्थ, परम गुह ज्ञान तीर्थ, श्रेष्ठ वाराह तीर्थ, महान पवित्र यम तीर्थ, शुभ संवर्तक तीर्थ, अग्नि तीर्थ, उत्तम कलशेश्वर तीर्थ, नाग तीर्थ, सोम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, महागुह्य पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम मणिकर्ण तीर्थ, तीर्थ श्रेष्ठ घटोत्कच तीर्थ, श्री तीर्थ, पितामह तीर्थ, गंगा तीर्थ, देवेश तीर्थ, उत्तम ययाति तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तम ब्रह्म तीर्थ में गए। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा यहाँ ब्रह्म तीर्थ में लिंग लाकर स्नान करने चले गए तब विष्णु ने उस ईश्वर के लिंग को यहाँ स्थापित कर दिया। जब स्नान करके ब्रह्मा आए तो उन्होंने विष्णु से पूछा, मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को आपने क्यों स्थापित कर दिया? इस पर विष्णु ने उनसे कहा, मेरी रुद्र में आपसे भी अधिक दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैंने लिंग को यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। यह आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा। द्वियोत्तमों व्यास जी पुनः आगे कहे जाने वाले तीर्थों में गए। भूतेश्वर तीर्थ, धर्म समुद्भव तीर्थ, परम गंधर्व तीर्थ, उत्तम वानहेय तीर्थ,
दौरवासिक तीर्थ, व्योम तीर्थ, चंद्र तीर्थ, पवित्र चित्रांग देवेश्वर तीर्थ, पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदार तीर्थ, उग्र नामक तीर्थ, अनुत्तम कालांजर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, प्रभास तीर्थ, भद्रकर्ण हृदय नामक शुभ तीर्थ, लौकिक नामक महातीर्थ, महालय तीर्थ, हिरण्य गर्भ तीर्थ, गोप्रेक्ष तीर्थ, वृषभध्वज तीर्थ, उपशांत तीर्थ, शिव तीर्थ, अनुत्तम व्याघ्रेश्वर तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, महातीर्थ, लोलार्क तीर्थ, उत्तर नामक तीर्थ, ब्रह्महत्या विनाशक कपाल मोचन तीर्थ, महापवित्र शुक्रेश्वर तीर्थ और उत्तम आनंदपुर तीर्थ आदि मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। तीर्थों की संख्या का विस्तार नहीं बताया जा सकता। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास इन सभी तीर्थों में स्नान कर पिनाकी भगवान शंकर की पूजा कर वहाँ वहाँ उपवास कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण कर और उन्हें पिंड दान कर पुनः वहीं गए जहाँ विश्वेश्वर शिव स्थित हैं। शिष्यों के साथ धर्मात्मा महामुनि ने स्नान कर उस परम विश्वेश्वर लिंग की पूजा की और शिष्यों से कहा, अब आप अपने अपने स्थानों को जा सकते हैं। द्विजो महात्मा व्यास को प्रणाम कर वे पैल आदि शिष्य चले गए और उन व्यास जी ने नियमित रूप से वाराणसी में वास किया। वे शांत, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्य परायण होकर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना में लगे रहते थे। द्वियोत्तमों, वहाँ रहते हुए एक दिन अमित तेजस्वी व्यास जी को भ्रमण करते रहने पर भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। तब उनका शरीर क्रोधाविष्ट हो गया। उन्होंने विचार किया कि यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए ऐसे विघ्न की सृष्टि करूं जिससे उनकी सिद्धि नष्ट हो जाए, और तक्षण ही शंकर की अर्धांगिनी साक्षात महादेवी पार्वती मानुष वेश धारण कर प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हो गईं और बोली, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप शाप न दें, आप मुझसे भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उन्हें भिक्षा दी। महादेवी ने कहा, मुने, आप क्रोधी तथा कृतघ्न हैं, अतः आपको सदा इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर व्यास जी ने ध्यान द्वारा ये श्रेष्ठ पार्वती हैं ऐसा समझकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियों से स्तुति कर उनसे कहा, हे शंकर वल्लभे, चतुर्दशी तथा अष्टमी को यहाँ वाराणसी में प्रवेश करने दें, ऐसा ही हो, ऐसी आज्ञा देकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार महायोगी भगवान व्यास जी क्षेत्र वाराणसी के सभी गुणों विशेषताओं को समझते हुए उस वाराणसी के पार्श्व भाग में रहने लगे। इस प्रकार व्यास जी को स्थित हुआ जानकर विद्वान लोग उस क्षेत्र का सेवन करते हैं। अतः मनुष्य को सभी प्रयत्न कर वाराणसी में निवास करना चाहिए। सूत जी बोले, जो अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य पढ़ता है, सुनता है अथवा शांत द्विजों को सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। द्विजों, जो स्नान करने के अनंतर श्राद्ध में, देव कार्य में, रात अथवा दिन में नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में मन को एकाग्र कर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर नमस्कार पूर्वक ईश शिव का जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे 33वां अध्याय। 34वां अध्याय, प्रयाग का महात्म्य, मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद, प्रयाग में संगम स्नान का फल। ऋषियों ने कहा, सुव्रत, अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी के महात्म का आपने भली भांति वर्णन किया, अब इस समय प्रयाग का महात्म बतलाइए। सूत जी, आप समस्त अर्थों को जानने वाले हैं, अब आप वहां प्रयाग के जो महान प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें हमें बताइए। सूत जी बोले, ऋषियों, आप सभी सुने, मैं विस्तार से आप लोगों को प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ। जहाँ पितामह देव स्थित हैं, ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी ने कुंती के पुत्र महात्मा युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाइयों के साथ सभी कौरवों को मारने के उपरांत राजा युधिष्ठिर महान शोक से आविष्ट होकर
मोह से ग्रस्त हो गए। तदंतर थोड़े ही समय बाद महान तपस्वी मार्कंडेय मुनि हस्तिनापुर में आए और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर द्वारपालों ने भी शीघ्र जाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, आपके दर्शन की इच्छा से मुनि मार्कंडेय द्वार पर खड़े हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्र ही तत्परतापूर्वक द्वार पर गए और कहने लगे, महाप्राज्ञ महामुने, आपका स्वागत है, स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल तर गया। महामुने, आपके प्रसन्न होने पर आज मेरे पितृगण संतुष्ट हो गए। महात्मा युधिष्ठिर ने उन मुनि को सिंहासन पर बैठाकर पाद प्रक्षालन पूजन इत्यादि के द्वारा उनका सम्मान किया। तब प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर से कहा, विद्वन, आप मोह क्यों कर रहे हैं? सभी कुछ जानकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम कर महामुनि से कहा, आप संक्षेप में कोई उपाय बतलाएं जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं। हे मुनिश्रेष्ठ, हमने युद्ध के प्रसंगवश कौरवों के साथ अनेक निरपराध मनुष्यों को युद्ध में मारा है, अतः आप वह कोई उपाय बताएं जिससे हिंसा जनित दोष एवं जन्म जन्मांतर में किए गए पापों तथा इस पाप से भी मुक्ति मिले। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, भारत महाभाग, आप जो मुझसे पूछते हैं उसे सुने। मनुष्यों के लिए पाप को नष्ट करने हेतु प्रयाग की यात्रा करना श्रेष्ठ उपाय है। वहाँ सभी देवताओं के ईश्वर महादेव रुद्रदेव एवं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ विराजमान हैं। युधिष्ठिर बोले, भगवन, मैं सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग जाने का क्या फल है, वहाँ मरने वाले की कौन सी गति होती है और वहाँ स्नान करने वाले को क्या फल मिलता है, जो प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। आपको यह सब कुछ ज्ञात है, अतः मुझे वह सब बताएं, आपको नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्राचीन काल में महर्षियों द्वारा कही गई प्रयाग की महिमा एवं प्रयाग निवास का फल आदि जो कुछ मैंने सुना है उसे मैं भली भांति आपको बतलाऊंगा। यह प्रजापति क्षेत्र तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं और जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता मिलकर प्रयाग निवासियों की रक्षा करते हैं और सभी पापों को दूर करने वाले अन्य भी अनेक तीर्थ यहाँ हैं। मैं सैकड़ों वर्षों में भी उनका वर्णन नहीं कर सकता, तथापि संक्षेप में ही प्रयाग की महिमा का कीर्तन करता हूँ। 60,000 धनुष जाह्नवी गंगा की रक्षा करते हैं और 7 अश्वों को वाहन बनाने वाले सविता देव सदा यमुना की रक्षा करते हैं। प्रयाग में विशेष रूप से इंद्र स्वयं निवास करते हैं। समस्त देवों से युक्त विष्णु प्रयाग मंडल की रक्षा करते हैं। प्रयाग के विशाल वटवृक्ष की रक्षा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महेश्वर नित्य करते हैं और सभी पापों को हरने वाले इस शुभ स्थान की रक्षा सभी देवता करते हैं। हे नराधिप, जो लोग अपने कर्मों से घिरे हैं तथा जिनका छोटे से भी छोटा पाप बचा रहता है वे लोग उस मोक्ष पद को प्राप्त नहीं करते, किंतु प्रयाग का स्मरण करने वाले का यह सभी कुछ पाप एवं कर्म नष्ट हो जाता है। इस प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, नाम का संकीर्तन करने से अथवा यहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, यहाँ प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच में जाह्नवी गंगा स्थित हैं। प्रयाग में प्रवेश करने वाले का पाप तक्षण ही नष्ट हो जाता है। सहस्रों योजन दूर से भी जो मनुष्य गंगा का स्मरण करता है वह दुष्कृत करने वाला होने पर भी परम गति को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, प्रयाग का नाम कीर्तन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करने से उसे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखलाई पड़ता है तथा यहाँ आचमन इसके जल में स्नान करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त हो, दीन हो अथवा क्रुद्ध हो, यदि वह प्रयत्न पूर्वक गंगा यमुना के समीप पहुंचकर प्राण त्याग करता है
तो वह सूर्य के समान उदीप्त स्वर्णिम आभा वाले विमानों से युक्त होकर अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है, ऐसा श्रेष्ठ मुनि जनों का कहना है। वह शुभ लक्षणों वाला मनुष्य सभी रत्नों से युक्त अनेक प्रकार की दिव्य ध्वजाओं से परिपूर्ण और वारांगनाओं से समन्वित होकर आनंदित होता है। शयन करने पर वह गीत और वाद्य की ध्वनि से जगाया जाता है। जब तक वह जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। नरोत्तम पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत होकर वह स्वर्ण तथा रत्नों से परिपूर्ण समृद्ध कुल में जन्म लेता है और इसी तीर्थ प्रयाग का स्मरण करता है। स्मरण होने पर पुनः वहाँ जाता है। अपने देश विदेश अरण्य तथा घर में जो प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, ऐसा श्रेष्ठ मुनि कहते हैं। वह उस लोक में जाता है जहाँ के सभी वृक्ष इच्छा अनुसार फल देते हैं, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है और जहाँ ऋषि मुनि तथा सिद्धजन रहते हैं। अपने किए कर्मों के कारण वह सहस्त्रों स्त्रियों से रमणीय मंदाकिनी के शुभ तट पर मुनियों के साथ आनंद प्राप्त करता है। वह स्वर्ग में सिद्ध चारण गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होता है। तदंतर स्वर्ग से च्युत होने पर वह पुरुष जम्बू द्वीप का स्वामी होता है। तदुपरांत वह बार बार शुभ कर्मों का चिंतन करता हुआ गुणवान तथा धन संपन्न हो जाता है और मन वाणी तथा कर्म से सत्य धर्म पर प्रतिष्ठित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति स्वकार्य पितृकार्य अथवा देवता की पूजा करते समय गंगा यमुना के मध्य में ग्राम सुवर्ण मोती या अन्य कोई पदार्थ प्रतिग्रह दान में लेता है उसे तीर्थ का पुण्य उस समय तक नहीं मिलता है जब तक वह दान में लिए हुए पदार्थों का भोग करता रहता है। अतः तीर्थों तथा पवित्र मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। द्विज को सभी प्रकार के प्रयोजनों में सावधान रहना चाहिए। श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो व्यक्ति प्रयाग में कपिल अथवा पाटल वर्ण की सुवर्ण मंडित सींग वाली रजत मंडित खुरों वाली वस्त्र से आच्छादित कंठ वाली पयस्विनी गाय का दान करता है वह उतने हजार वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है जितने उस गाय के शरीर में रोम होते हैं। इति श्री कूर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे चतुर्त्रिंश